जी गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं जी गाइस। आज हम शकरकंदी भाई के अंकल की टेस्ट करते हैं। शकरकंदी कैसे दे रहे हैं अंकल, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल कैसे दे रहे हैं शकरकंदी? ये 100 रुपये पाव में दे रहे हैं? अच्छा, तो ये कितनी आपने रखी है? ये होगी कोई 5-7 किलो की? नहीं, ये 10 किलो। 10 किलो होगी। तो ये कितने देर तक आप बेच लेते हैं? ये तकरीबन शाम तक, रात के 12 बजे तक। रात के 12 बजे तक? रात 12 बजे तक। अब निकले हैं अभी घर से के? अभी निकले हैं। मीन्स के रात को 12 बजे तक हो जाएगा सारी? रोजाना बेच लेते हैं इतनी कि कभी वापस भी आ जाते हैं? वापस भी आ जाते हैं। बहुत ही मुश्किल हो गई है, क्या करें। जी अल्लाह रोजी देने वाला है। बेशक जी, बेशक। ये सबसे बेहतर बात है कि आपने यकीन अपना अल्लाह पाक पे रखा हुआ है। रिज़्क़ हलाल देने वाली वही ज़ात है। अच्छा, हमें तो यही है, पौधे हैं हमें। अच्छा, तो घर आपका अपना है कि रेंट पे है? नहीं, रेंट पे है। रेंट पे है। तो बच्चे वगैरह जवान है? लगा वो भी काम वगैरह करते हैं? बेटा मेरा है जी, बड़ा बेटा है, वो अभी तक काम में नहीं लगा हुआ। वो पिज्जे का कारीगर है। अच्छा, उसका अभी तक काम नहीं लगा जी। अच्छा, वो अभी जॉब वगैरह ढूंढ रहा है? अभी ढूंढ रहा है। अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा करें, आपके लिए करें और सारे मुसलमानों के, वो आगे रखिए आप, सारे मुसलमानों के लिए पैदा करें अल्लाह पाक आसानियाँ ना। बड़ी दूर दूर तक चले जाते हैं। अच्छा, तकरीबन इस टाइम हम जाएंगे अल्लाह खैर रंग महल तक जाएंगे, उससे आगे दिल्ली तक चले जाते हैं, दिल्ली गेट तक। अच्छा, दिल्ली दरवाजे तक? हाँ जी, दिल्ली दरवाजे तक। मीन्स कि आपने किसी को स्टॉप करना नहीं है, कहीं रुकना नहीं है, बस चलते रहना है। चलते रहना, हम एक जगह जैसे भी किसी कस्टमर ने रोक लिया, आवाज़ दे ली, उधर रुक के दे दी बस। आपने रोका? हाँ जी, इस तरह मीन्स कभी अड्डे रुकना नहीं है आपने कहीं भी? क्योंकि जगह नहीं देते जी, कोई भी नहीं देता नहीं है, कोई खड़े नहीं होने देता जी, इसलिए रोज हमारे यही बात है। हमारे दुकानदारों की किसी के आगे खड़े हो जाए, वो कहते हैं जी हमारा रिज़्क कम हो जाना, आप आगे चलो। कोई रेडी वाला खड़ा है तो वो आगे आ जाता है जी, हम खड़े हैं, आप क्यों आ गए हैं, आप क्यों खड़े हो गए? एक आप जैसे आप खड़े हैं ना, तो वो आ जाता है, यार क्यों खड़े हैं, आगे चले जाओ, वहाँ कस्टमर को वहाँ जाकर सौदा दे उसको, यहाँ नहीं खड़ा होना जी। तो किसी के साथ लड़ाई नहीं करते हम, कहते हैं चलो ठीक है जी, अल्लाह रोजी दे रहा है, ऐसे ही कोई बात नहीं। ये जाहिलियत होती है और कुछ भी नहीं है, इनका यकीन नहीं है बेसिकली अल्लाह पाक की ज़ात पर कि हमें अल्लाह पाक ने रिज़्क़ देना है, किसी के खड़े होने से रुकना नहीं है हमारा। हाँ जी, हमारे तो ये अकीदा है, बस अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे और उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करें। हमने ये कभी नहीं सोचा यार उसके साथ लड़ाई करें, उसके साथ बहस करें। बहुत अच्छी बात, कभी नहीं की, बहुत अच्छी बात। और कभी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे ऐसे ही है कि कभी अल्लाह ताला ने किसी के वो नहीं कहा कि भी यार हमें खड़े होने दो, मिन्नत तलब करते हैं, पुलिस आ जाता है तो उसको भी नहीं कहते हैं, किसी के साथ बहस नहीं करते। यही बात है कि कमाने वाले बंदा के लड़ाई में मामले में पड़ जाए ना, वो उसकी दिहाड़ी सारी खराब हो जाती है। वो बेहतर है कि यार किसी को हम खुद माफ़ी मांग लो, यार हम माफ़ी मांग लेते, जा जान छोड़ो हमारी, हम तो ये सोचते हैं। अच्छा, शुरू से ही आप ये शकरकंदी बेच रहे हैं? नहीं जी, पहले शकरकंदी तो अब आती है ना, हमारा सीज़न होता है जी, तकरीबन हम चलाते हैं पहले अनार, जब आया था मैं अनार चलाया था मैंने। अच्छा, अनार और जापानी काट कर बर्फ़ के ऊपर रखी। हाँ जी, हाँ जी, गर्मियों में वो। हाँ जी, फिर उसके बाद सिंघाड़ा का काम किया जी। अच्छा, अब ये शकरकंदी है ये चलाएँगे और उसके बाद अल्लाह खैर करे तो सलाद आ जाएगी, ऐसे वो चलाएँगे जी। ऐसे जैसे जैसे सीजन आता है वो हम एक काम नहीं करते। सही हो गया। हाँ, जैसे मीन्स के जो सीजन आया, जैसा वक्त आया, आपने वक्त के साथ अपने आप को चेंज कर लेना है, लेकिन मेहनत में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, नहीं किया। वेरी गुड अंकल जी, वेरी गुड। कभी किसी को अगर 1000 मिल गया है, 2000 मिला है, 2500, 3000 मिला है, 4000, कभी ये नहीं कहा कि हमारे पास रोजी कम मिली है, कभी ये नहीं सोचा। सही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये सोचते हैं कि अल्लाह पाक ने जो भी दिया ना, किसी के आगे मांगने से मजबूर तो नहीं किया। वेरी गुड, वेरी गुड। आपकी बातों से बहुत इम्प्रेस हुआ मैं, माशाल्लाह आपका तकवे का जो
सिस्टम है ना वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है कि जो आपने अल्लाह पाक में उम्मीद रखी है कि सिर्फ उसी ज़ात ने देना है मुझे, ना हो कि देने वाली ज़ात है उसके अलावा। कभी ये नहीं कहा यार मुझे आज कम मिले, आज कम अच्छा नहीं मिला, आज काम मंदा था, कभी ये नहीं सोचेंगे। सही हो गया, गुड हो गया, यही सोचा है अभी अल्लाह ताला ने जो लिखा है वो तो मिल गया। वेरी गुड, वेरी गुड अंकल जी, वेरी गुड। अच्छा अंकल जी कितने पैसे हो गए मेरे, 100 रुपया? जब से आए छुट्टी नहीं करते, क्यों नहीं करते? एक दिन छुट्टी का तो साथ पीछे हटो, ऐसे ही ऐसे ही छुट्टी करने तो किसके पास बैठे हैं। ये अंकल जी मेरा 100 रुपया बना है और 1400 रुपया आपका नाम है। नहीं नहीं ऐसी नहीं, ये नाम आपके लिए है, आपकी मेहनत पे हमने जो बातें सुनी हैं वो हमें अच्छी लगी हैं। हम ऐसे लोगों की हेल्प करते हैं जो आप जैसे बंदे में मिलते हैं ना, मेहनत करने वाला हो जी। तो अल्लाह पाक के साथ उसका हो गया, सिर्फ मैं जो अल्लाह पाक ने देना उसकी हम थोड़ी सी बातें सुनते हैं उसको हेल्प करते हैं। ये आपका नाम है, 100 रुपये आपकी शकरगंदी का, 1400 रुपये आपका नाम। दो हमें याद रखें, अल्लाह पाक आपके लिए सानिया पैदा करें, आपके लिए आपकी भी अच्छी यही बस चाहिए, आपसे दुआएं चाहिए हमें इंशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़।